नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો બીટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી। હું છું અંકુર રાવલ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ 100 ખબરથી। ભારત બાયોટેકની કોવેક્સિનને લઈને મોટા સમાચાર। ત્રીજા તબક્કાના ટ્રાયલમાં કોવેક્સિન 81% કારગર થઈ હોવાની સ્પષ્ટતા। 25,800 લોકો પર ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કરાયું। હવેથી 24 કલાક મળી શકશે વેક્સિન। વેક્સિનેશનની રફતાર વધારવા માટે સરકારે કર્યો નિર્ણય। દેશના નાગરિકો પોતાની અનુકૂળતા મુજબ લઈ શકશે વેક્સિન। भारत में बनेली वैक्सीन सौथी सस्ती छे। चीननी वैक्सीन विश्व में सौथी मोंघी। भारते सौथी ओछा समय में कोरोना वैक्सीन तैयार करी छे। भारतनी वैक्सीन थी चीननी वैक्सीन 9 गणी मोंघी छे। हज यात्रियों माटे कड़क नियमों बनावाया छे। सऊदी अरबना हेल्थ मिनिस्टरे इशारो कर्यो छे के हज यात्रियों माटे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फरजियात कराशे। दिल्लीना सीएम अरविंद केजरीवाल आजे लेशे कोरोनानी वैक्सीन। एलएनजेपी होस्पिटल में लेशे डोज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे पण कोरोना वैक्सीन लीधी छे। दिल्लीना आरआर होस्पिटल में रामनाथ कोविंदे कोरोना वैक्सीन लीधी। गुजरात में फरी वधी रह्या छे कोरोनाना पॉजिटिव केस। एक दिवस में कोरोनाना नवा 475 केस तो एक दर्दीनुं मृत्यु। ज्यारे एक दिवस में 358 दर्दीए कोरोनाने आपी मात। अमदावादमां आईशा आपघात केस में कोर्ट आरोपी आरिफना 3 दिवसना रिमांड मंजूर कर्या। पोलीसे 5 दिवसना रिमांडनी करी हती मांग। आयशा आत्महत्या केस में नव वळाक। एक युवक नाम पण खुल्यू। जे युवक नाम सामे आव्यू ते आयशानो संबंधी। आरोपी आरिफ ईशान आयशाना चरित्र उपर शंका राखीने त्रास आपतो हतो। आयशा आपघात केस में मृतक आयशानी बहन ने आव्यो ब्रेन स्ट्रोक। मोटी बहन पिंकी ने आघात लागता ब्रेन स्ट्रोक आव्यो। अमदावादनी दीकरी आयशाना आपघात पर बोलिया एआईएमआईएमना अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। मुस्लिम समाजना लोकोने ओवैसी आपी शेख पत्नी ने हैरान करनारा नर्क में जाय छे। पत्नी पर अत्याचार करनारा मर्द न कहेवाय। नाणामंत्री नीतिन पटेले बजेट रजू कर्यु छे। बजेट रजू कर्या बाद नीतिन पटेले निवेदन आप्युं। तेओए कह्युं के 2,27,029 करोड़नुं बजेट छे जेमां जीएसटी आवक थाय ते माटे उद्योग धंधा असरभर कराशे। राज्यना बजेट में शिक्षण विभाग में 32,719 करोड़ की फाळवणी करी है। कॉलेज विद्यार्थियों ने टेब्लेट आप 200 करोड़ की जोगवाई कराई। सरकार द्वारा आरोग्य और परिवार कल्याण 11,323 करोड़ की जोगवाई करी है। जमा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मां वात्सल्य योजना 1,106 करोड़ फाळवाया। कृषि विभाग 7,232 करोड़ की जोगवाई कराई। बियारण और अनाज तंत्र 87 करोड़ की फाळवणी करी जे 4,00,000 खेडूतों ने योजना लाभ मळशे। सरकार द्वारा बजेट में महिला और बाल विकास 3,511 करोड़ की जोगवाई कराई है। जमा पूरक पोषक 939 करोड़। विधवा बहनों ने सहाय 700 करोड़ की जोगवाई। बजेट में जलसंपत्ति विभाग में सरकारे 5,494 करोड़ की फाळवणी करी। जमा सौराष्ट्र माटे रूपया 1,071 करोड़ की फाळवणी कराई। राज्य में वन विभाग और पर्यावरण माटे सरकार द्वारा बजेट में 1,814 करोड़ की जोगवाई। वनों विकास संवर्धन 286 करोड़। सामाजिक वनीकरण 219 करोड़ की फाळवणी। सरकार द्वारा उद्योग और खाण खनिज विभाग 6,599 करोड़ की जोगवाई। जमा सरकार द्वारा टेक्सटाइल पॉलिसी अंतर्गत आता उद्योगों ने सहाय 1,500 करोड़ फाळवाया। गुस्सीटॉकना कायदा अंगे विधानसभा में प्रदीपसिंह जाडेजाए कहूं कि गुनेगार हाजा गगड़ी जाए वा कायदा अमे लाव्या छीए। कांग्रेस तुष्टीकरण माटे कायदा विरोध करती थी। विधानसभा में आज गृह विभाग ने लगती प्रश्नोत्तरी में जणाव्युं हतुं के राज्य में प्रतिदिन 3 हत्या और 30 चोरी की घटनाओं बनी रही है। जयरे दररोज 4 करता वधु दुष्कर्म 7 अपहरणनी और 20 आत्महत्या की घटनाओं बनी है। राज्यना बजेट पर मंत्री सौरभ पटेले कहूं छे के एक पण रूपियाना करवेरा बजेट भारण आप्या वगर लोकोने लाभ आपतुं बजेट। पेट्रोल डीजल घटाड़ा अंगे नीतिन पटेल निवेदन। सौथी ओछो वेट। गुजरात में अपना करता 14 राज्य में पेट्रोल रेट वधु। वेट ओछू करवानी जोगवाई नहीं। राज्यना बजेट पर गणपत वसावाए कहूं के 5 वर्ष में वनबंधु योजना फेज 2 में 1,00,000 करोड़ रूपया वपराशे। 9,00,000 आदिवासी परिवारों ने रोजगारी की तक उभी थे। राज्यना बजेट में बंदर और वाहन व्यवहार में रूपया 1,478 करोड़ की फाळवणी। एसटी में नवी 1,000 नवी बस उमेराशे। जयरे 500 नवी वॉल्वो बस पीपीपी धोरणे शुरू थशे। राज्य सरकारे ग्रामीण विकास पर पण मुक्यो भार। पंचायत और ग्राम्य विकास में 8,796 करोड़ की फाळवणी। गामडाने शहर जेवा आधुनिक बनावानी बजेट में ने।
बजेट में शहरी विकास और गृह निर्माण विभाग में 13,493 करोड़ की फाड़वणी कराई। राज्य की महानगरपालिका और नगरपालिका शहरी विकास मंडलों 4,563 करोड़ फाड़वाया। गुजरात बजेट अंगे मंत्री विभावरीबेन दवेए कहूं कि विधवा बहनों सरकार चिंता की है। विधवा बहन पुनः लग्न करते तो 50,000 की सहाय की जोगवाई। नाणामंत्री नीतिन पटेले विधानसभा में रजू करेला बजेट ने वेपारी महिलाओं तथा युवाओं वधाव्यू है। विधवा पुनर्लग्न सहाय निर्णय ने लोग वधाव्यो, जो कि गैस और पेट्रोल भाव घटे तेवी मांग महिलाओं द्वारा करवामां आवी। राजकोट चेम्बर ऑफ कॉमर्से बजेट ने आवकार्यू। चेम्बर ऑफ कॉमर्स प्रमुख वीपी वैष्णवनु निवेदन, चेम्बर की मोटा भागनी मांगों संतोषवामां आवी। गुजरात सरकारे नर्मदा योजना करोड़ों रूपया लेवाना बाकी। गुजराते पड़ोसी राज्यों पास से 6,939.19 करोड़ लेवाना बाकी। देश में सौथी विकसित कहवाता गुजरात पर 2,67,650 करोड़ देव। वर्ष 2019-20 सुधी में राज्य 6.5 करोड़ गुजरातियों पर 2,67,650 करोड़ देव बाकी। अमित चावड़ा और परेश धानाणी नेतृत्व की यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई नाराज थया है। संगठन मजबूत करे तेवा नेता ने युवा प्रदेश अध्यक्ष बनावानी मांग उठी है। भरूच में भाजपनी जीत पर छोटू वसावाए भाजप और पुलिस सामे गंभीर आक्षेप लगाव्या है। छोटू वसावाए कहूं कि ईवीएम में वीवीपैट नहतुं ते शंका उपजावे छे। हाईकोर्ट में तमाम मुद्दाओं ने पड़कारवामां आवशे। सोलार ऊर्जा माटे लीज पर आपती जमीनों मामलो परेश धानाणी प्रश्न ने लईने सरकार मूंझवण में। परेश धानाणी प्रश्नों सरकार पासे जवाब नहीं। गुजरात में ग्राम्य विस्तार में सेवा नहीं आपवानो तबीबी डिग्री धारकों ट्रेंड हजू पण चालू। 2020 में गामडा में सेवा आपवाने बदले 16,41,00,000 रूपया तबीबी डिग्री धारकोए भर्या। अमदावाद में प्रॉपर्टी टैक्स न भरनार सामे एमपीए करी लालांच। शहर 49 एकमों ने सील करने की कार्यवाही। अनेक नोटिस थता जूना डिफोल्टर्स से टैक्स नहीं भरियो। पालनपुर शहर कांग्रेस उपप्रमुख जितेंद्र ठाकुर राजीनामु आप्यु छे। जितेंद्र ठाकुर पक्ष पदाधिकारी निष्क्रिय होवानो आक्षेप कर्यो छे। अमदावाद कोतरपुर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में समारकाम ने लईने रहेशे पाणीकाप। पूर्व दक्षिण और उत्तर झोन में सांजे अपाशे पाणी। અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ ગોડાઉનમાં કૌભાંડનો મામલો। કૌભાંડને લઈને વિપક્ષી વિધાનસભા ગૃહમાં ઉઠાવ્યો પ્રશ્ન। 1,91,00,000 ઘઉં ચોખાના 15,249 બોરી બારોબાર વહેંચાયું। વિધાનસભામાં પ્રશ્નોત્તરી કાળમાં અપ્રમાણસર મિલકતનો મુદ્દો ઉઠ્યો છે। આ મામલે સરકારે જવાબ આપતા કહ્યું કે રાજ્યમાં એસીબીએ અપ્રમાણસર મિલકતના 60 કેસ નોંધ્યા છે। बाळ मृत्युने अटकाववामां तंत्र फरी निष्फळ। विधानसभामां चर्चा दरमियान बाळ मृत्युना आंकड़ा जाहेर। राज्यमां दैनिक सरेराश 42 बाळकोना थाय छे मृत्यु। अमदावाद सिविल होस्पिटलमां कर्मचारीओनी घट। वर्ग 1 अने 4नी 575 जग्याओ खाली होवानुं खुल्युं। अमदावाद सिविल होस्पिटलमां अनेक जग्याओ खाली। सिविलमां वर्ग 1-4नी कुल 4,585 मंजूर जग्या सामे 4,010 जग्याओ भरेली। રાજ્યમાં દારૂબંધી માત્ર કાગળ પર હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। સરકારના આંકડા મુજબ છેલ્લા 2 વર્ષમાં 198.30 કરોડનો વિદેશી દારૂ, 3.65 કરોડનો દેશી દારૂ અને 13.85 કરોડનું બિયર ઝડપાયું છે। આજે વિધાનસભાનું મળશે સત્ર। વિવિધ મુદ્દાઓ અંગે ગૃહમાં થશે ચર્ચા, તો કેટલાક મુદ્દે વિરોધના એંધાણ। રાજકોટમાં આજી ડેમમાં નર્મદાના પાણી ઠલવાશે। સૌની યોજના થકી પાણીની આવક શરૂ। નિયમિત 15 દિવસ સુધી ડેમમાં પાણી આવશે। પીઆર પાટીલ પ્રથમવાર ચૂંટણીમાં જીત બાદ સુરત પહોંચ્યા, ત્યારે સુરત એરપોર્ટ પર મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરોએ સ્વાગત કર્યું। આ સમયે દક્ષિણ ગુજરાત ભાજપના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા। સ્થાનિક સ્વરાજ્યમાં ભાજપની જીત બાદ પાટીલનો રેલ પ્રવાસ। પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ પીઆર પાટીલે ટ્રેનમાં પ્રવાસ કર્યો હતો। અમદાવાદથી સુરત સુધી શતાબ્દી ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી। વડોદરામાં પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ પીઆર પાટીલનું સ્વાગત કરાયું। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં બાદ પાટીલ જઈ રહ્યા છે સુરત। રેલવે સ્ટેશન પર ટૂંકા રોકાણ દરમિયાન ભાજપે કર્યું સ્વાગત। વડોદરાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જતી ટ્રેન રદ કરાઈ। ડભોઈ કેવડિયા ટ્રેક મેન્ટેનન્સના કામકાજને કારણે ટ્રેન રદ કરાઈ। 31 માર્ચ સુધી સમારકામ કાર્ય ચાલશે। રાજ્યની વિવિધ કોર્પોરેશનમાં મેયર પદની રેસને લઈને નામોની ચર્ચા। અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટમાં મેયર કોણ બનશે તેને લઈને ચર્ચાનો માહોલ। આણંદ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીના બોરિયા ગામે મતદાન મથક 1માં ફરી થશે મતદાન। કંટ્રોલ યુનિટમાં ટેકનિકલ ખામી આવતા પરિણામ જાણી ન શકાતા 5 માર્ચે ફરી મતગણતરી થશે। અમદાવાદમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધતા જનતા પરેશાન, લોકો ઇલેક્ટ્રોનિક વાહનોની ખરીદી તરફ વળ્યા।
हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में पण हवे लोकल युवाओं ने मळशे 75% अनामत। विधानसभा में बिल पास थयाना 4 महीना बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य आपी मंजूरी। वडोदरा समा विस्तार में सामूहिक आत्महत्या की घटना बनी है। परिवार 6 सभ्यों आत्महत्या प्रयास कर्यो, जेमा 3 व्यक्तियों मृत्यु जयरे 3 सारवार हेठ। कोडीनार मूळ द्वारका रोड पर छकड़ो रिक्षा पलटी, श्वान आड़े आता रिक्षा चालके गुमाव्यो काबू। अकस्मात में एक महिला मृत्यु, अन्य एक गंभीर इजाग्रस्त। राजकोट अमदावाद हाईवे पर गांजा मोटो जत्थो झड़पायो, पुलिस 41 किलो गांजा साथ बे शख्सों की करी धरपकड़। द्वारका जिला पंचायत कांग्रेस उम्मीदवार पति युवक पर हुमलो, विजय सरघस में धमकी आपी मार्यो मार, भाणवड़ना रेटा कालावड़ बनाव। पंतुराना शिणोल थी किशोरपुर वच्चे अकस्मात, ट्रक और कार की टक्कर में कार ना बे टुकड़ा थया, युवान नु घटनास्थले मौत, महिला ने बाळक नो बचाव। अमदावाद ना वस्त्राल में पुलिस और युवक वच्चे घर्षण थयु होवाना वीडियो सामे आव्या छे, जो के वीडियो और एफआईआर में अलग अलग विगतो सामे आवी। घर्षण नो वीडियो वायरल थता पुलिसे 7 लोको सामे फरियाद नोंधी। अरवलीना बोरवेल एसोसिएशन ना संचालकों हड़ताल पर उतरिया, डीजल ना भाव वध्या होवा छतां भाड़ू न बता बोरवेल नी गाड़ियों ना पैडा थंभ्या था। 5 मार्च सुधी बोरवेल एसोसिएशन नी हड़ताल रहेशे। फास्टैग ने मल्टीपर्पज सर्विस में उपयोग करवा सरकार की विचारणा, पेट्रोल डीजल और पार्किंग में पण थशे फास्टैग नो उपयोग। भविष्य में फास्टैग थी पेट्रोल डीजल सीएनजी भरावी शकाशे। ईपीएफओ की आज श्रीनगर में महत्वपूर्ण बैठक पड़े, आ बैठक में नवा वर्ष में पीएफ व्याजदर की जाहरात थी सके। 2019-20 में पीएफ व्याजदर 8.5%। आथरस हत्याकांड में फरार बे आरोपी सकंजा में, मुख्य आरोपी गौरव शर्मा हजू सुधी पुलिस पकड़ थी दूर, रोहित शर्मा और निखिल शर्मा की धरपकड़। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश प्रवासे, बांग्लादेश पीएम शेख हसीना साथ करते मुलाकात। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर अनूप शहर विस्तार सिरोरा गाम में सगीरा बाड़की साथ दुष्कर्म की घटना सामे आवी, दुष्कर्म कर्या बाद आरोपी बाड़की ने जमीन में दाटी दीधी थी। लखनऊ में भाजपा सांसद कौशल किशोर दीकरा आयुष पर फायरिंग थयू, बाइक सवार शख्सों कौशल किशोर दीकरा आयुष ने गोली मारी थी, जो कि आयुषे पोताना पर गोली चलावड़ी होवानो आयुष शाळाए दावो कर्यो। नागरिकों मौलिक अधिकारों मामले सुप्रीम कोर्टे चिंता व्यक्त करी है, पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगावा माटे कोर्टे निर्देश कर्यो छे। आ मामला ने कोर्टे नागरिकों अधिकार साथ जोड़ायेलो गणाव्यो हतो। चूंटणी पंच द्वारा पश्चिम बंगाल की विधानसभा की चूंटणी ने 8 तबक्का में करवानी जाहेरात करवामां आवी, चूंटणी पंचना निर्णय विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अरजी थई छे। समय थयो छे ब्रेक नो, लई एक ब्रेक। वेलकम बैक, तो 100 खबर में आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी समय की इमरजेंसी पर राहुल गांधी कहूं कि एक भूल थी, पर आज जे थई रही है तेमां फरक है, पोतानी भूल स्वीकारी लेवी ए हिम्मत नुं काम होय छे, अमने संसद में बोलवानी मंजूरी नथी। गणतंत्र दिवसे ट्रेक्टर रेली में हिंसा मामले 20 वधु लोको सामे लुकआउट नोटिस जाहिर करवामां आवी छे, जेमां मोटा भागना खेडूतोनो समावेश थाय छे। भारत में 85% महिला कर्मचारियों प्रमोशन अटक्यू है, महिला होवाने कारणे प्रमोशन अटक्यू होवानो लिंक्डइन अपोर्च्युनिटी इंडेक्स 2021 ना रिपोर्ट में दावो करायो छे। जम्मू कश्मीर में गैरकायदे रहता रोहिंग्याओं ने परत मोकलवानी तैयारी, अंदाजे 10,000 रोहिंग्याओं ने परत म्यांमार मोकलाशे। वियतनामना हनोई में 12 माले थी नीचे पड़ती बाळकी ने डिलीवरी बॉय बचावी, आ घटना वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थयो छे। मुंबई की जेम तेलंगाना नो पावर सप्लाय बंद करवानो चीनी हैकर्स नो प्लान हतो, भारत ना कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोन्स टीम ना अलर्ट बाद हैकर्स निष्फल रहा हता। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप में नवा फीचर्स आता रहे छे, त्यारे हवे व्हाट्सएप में थर्ड पार्टी एनिमेटेड स्टीकर्स वॉइस मैसेज एनिमेशन फीचर एड करायु छे। इंस्टाग्राम द्वारा लाइव रूम की जाहेरात करवामां आवी छे, त्यारे हवे यूजर्स कोईपण लाइव ब्रॉडकास्ट दरमियान 4 लोगों ने एड करी शके छे। भारत और इंग्लैंड वच्चे अमदावाद नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में आज चौथा टेस्ट मैच की शुरुआत होगी, आ सीरीज में भारत की टीम श्रेणी में 2-1 आगळ छे। भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह लग्न करते, चालू सप्ताह में जसप्रीत बुमराह लग्न करते, लग्न की तैयारी में बुमराहे क्रिकेट में रजा लीधी छे। 5 राज्य में विधानसभा में चूंटणी नजीक आ रही है, त्यारे हवे भाजपा उम्मीदवारों नाम मामले मंथन शुरू थई गयुं छे, चालू सप्ताह में भाजप उम्मीदवारों नाम जाहिर करी शके छे।
रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट दर में 5 गणो वधारो झीकायो। प्लेटफॉर्म टिकट मे रूपया 50 चुकवा पड़े, पहला रूपया 10 चुकवा पड़ता था, नवा दर 1 मार्च थी लागू थी गया है, जो 15 जून सुधी लागू रहे। बजार में 500 रूपया की नकली नोट घुसाड़वानुं षड्यंत्र सामे आव्युं। आंध्रप्रदेश ओडिशा की सरहदे थी 500 रूपया दर की कुल 7.9 करोड़ की नकली नोट साथ पुलिस 3 आरोपियों की धरपकड़ की। अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप निवासे आईटी विभागे दरोड़ा पड़ा। मधु मंटेना और विकास बहलना निवासे दरोड़ा पड़ा। अनुराग और तापसी पर आईटी दरोड़ा अंगे एनसीपी नेता नवाब मलिके कहूं कि सरकार विरुद्ध बोलता तेनी सामे कार्यवाही करवामां आवी छे। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर कहूं कि गुजरात की स्थानिक स्वराज्य की चूंटी में कांग्रेस सुपड़ा साफ थे, कांग्रेस नेता और परिवार सभ्य हार्या। कर्नाटक की भाजप सरकार मंत्री सेक्स स्कैंडल में फसाया है। जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली वीडियो क्लिप वायरल थी, जो कि यौन शोषण आरोप ने लेने मंत्री रमेश जरकीहोली राजीनामू आप। श्रीनगर में लेफ्टनेंट कर्नल सुदीप भगते कर आपघात, सर्विस रिवॉल्वर की गोली मारी कर आपघात। श्रीनगर बाहरी खानमो विस्तार की घटना। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की मोटी राहत। कोर्टे कहूं कि सरकार करता जुदा विचारों व्यक्त करने की अभिव्यक्ति ने देशद्रोही न मानी शकाय। राहुल गांधी इमरजेंसी वाला निवेदन पर मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वार करता कहूं कि राहुल जे आज कही रहा है तेनो अफसोस तेने वर्षो पछी थशे। पीएम विरुद्ध बेहूदी टिप्पणी न करवी जोईए। समय थयो छे ब्रेक नो, लई एक ब्रेक। वेलकम बेक। तो 100 खबर में आगे बढ़िए। तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवीए पण राहुल गांधी ना इमरजेंसी वाला निवेदन पर वार करता कहूं कि राहुल गांधी माफी मांगीने थाकी जशे तो पण तेना गुना ओछा नहीं थाय। एक बाजू किसान आंदोलन नो उकेल नहीं आवतो त्यारे महाराष्ट्र में भाजपा धारासभ्योए किसान संबंधित मांगणीओ ने लईने महाराष्ट्र विधानसभा बहार विरोध कर्यो। सुप्रीम कोर्टे फरी कहूं कि महिला कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। कोर्टे कहूं कि पत्नी पर दबाण करीने पति साथ रहेवा मजबूर न कर शकाय। सुप्रीम कोर्टे मंगलवारे एक केस की सुनावणी दरमियान आ टिप्पणी करी हती। उत्तराखंड चमोली खाते दुर्घटना घटा बाद हजू पण लोकोनी शोधखोळ माटे टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चालू। एनडीआरएफ जवानों दिवस रात शोधखोळ करी रह्या छे। 2050 सुधी में दुनिया में दर 4 માંથી એક व्यक्ति बहराश नो भोग बनी शके छे। डब्ल्यूएचओए आपी चेतवनी 2050 सुधी दुनिया में बहराश नो सामनो करनारा लोकोनी संख्या 250 करोड़ हशे। हवे मदरेसा में पण भणावाशे गीता रामायण अने योग। एनआईओएसए पाठ्यक्रम में कर्या सामेल। एनआईओएसए प्राचीन भारत ज्ञान ना संबंध में लगभग 15 कोर्स तैयार कर्या छे। 100 मदरेसा में अभ्यासक्रम शुरू थशे। जीओए 5G लॉन्चिंग की शुरुआत कर दीधी है। स्पेक्ट्रम की लीलामी में रिलायंस जीओए सौथी आगळ रही 57,112 करोड़ की बोली लगावी। वॉरेन बफेटे 2 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં શેરબજારમાં મબલક કમાણી કરી છે। તેમણે અમેરિકન એક્સપ્રેસ અને બેંક ઓફ અમેરિકાના શેરમાં 60,000 કરોડની કમાણી કરી છે। મુંબઈમાં બોલિવૂડ એક્ટર અજય દેવગણની કારને રોકનાર રાજદીપ રમેશ સિંહને ધરપકડ થયા બાદ જામીન મળ્યા છે। તેણે અજય દેવગણની કારને ફિલ્મ સિટીમાં જવાનો આપી દીધી। રોકના નામથી દુનિયાભરમાં જાણીતા હોલિવૂડ સ્ટાર ડ્વેન જોન્સને અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટની ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે। ભવિષ્યમાં યોજાનારી ચૂંટણીમાં તે ચોક્કસ ભાગ લેશે। તો સમાચારમાં હાલ બસ આટલું જ, રજા આપશો, નમસ્કાર।